जानते हैं आज का महा उपाय। अगर आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन पूजा पाठ करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पाता, तो जानते हैं आचार्य से कि आप पूजा में क्या करें और क्या ना करें ताकि आपको लाभ मिल सके। जी नूरी, आपने आज बहुत आवश्यक बात बताई है। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि पूरे मनोभाव से, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करने के बावजूद भी हम मुझे बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल रहा, मेरा विश्वास खत्म होता जा रहा है पूजा पाठ में। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या कहीं उसमें कोई कमी रह जा रही है? जो पूजा पाठ की कर्मकांड की विधि है, जो उसके पूरा तरीका है, क्या कहीं पूजा अर्चना में कुछ आपसे कमी रह जाती है? कोई प्रमुख बातें आपसे छूट जाती हैं? इस तरीके की आवश्यक बातें जो आपको पूजा पाठ में ध्यान रखनी चाहिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहली बात यह कि घर या व्यावसायिक स्थल में पूजा का स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में ही, उत्तर पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। पूजा हमेशा आसन पर बैठ करके करना चाहिए और जब भी आप पूजा करें तो प्रयास करना चाहिए कि आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ हो और आप अपनी पूजा में एक दीपक अवश्य जलाएं। और जो आप दीपक जलाएंगे, देसी घी का दीपक अगर जलाते हैं तो वो आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। अगर तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल या उसके साथ साथ तिल के तेल, तो वो दाहिने हाथ की तरफ हो। जब बाएं हाथ की तरफ आप दीपक लगाते हैं तो वो भगवान के दाहिने तरफ आ जाता है। ये आपको नियम ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे पास कई सारी मूर्तियां हैं, तो अब आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। घर में दो शिवलिंग की पूजा एक साथ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नर्मदेश्वर रखते हैं या पारदेश्वर शिवलिंग रखते हैं, पारद यानी पारे का शिवलिंग रखते हैं मरकरी का, तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। उसमें आप दो शिवलिंग रख करके पूजा कर सकते हैं। और एक से ज्यादा शालिग्राम घर में अगर आपके हैं तो वो भी ठीक नहीं है, एक शालिग्राम को घर में रख करके पूजा अवश्य करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी पत्र ऐसे दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए जिस दिन सूर्य संक्रांति हो, पूर्णिमा हो, द्वादशी या अमावस्या की तिथि हो, रविवार का दिन हो या कोई अशुभ योग जैसे व्यतिपात योग हो, वैद्युति योग हो। रात्रि और संध्या काल में भी आपको तुलसी दल तोड़ने से बचना चाहिए। घर में 9 इंच से यानी 22 सेंटीमीटर से छोटी देवी प्रतिमा या देव प्रतिमा ही रखनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के घर में नहीं हो, यह आपको अवश्य ध्यान रखना है। अगर 22 सेंटीमीटर यानी 9 इंच से बड़ी मूर्ति है तो वो मंदिर में रखी जाएगी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये उसके लिए नियम है। ये तो कुछ आवश्यक बातें थी और आने वाले दिनों में भी हम आपको इस तरीके की आवश्यक बातें बताते रहेंगे, जिसको ध्यान में रख करके यदि आप अपनी पूजा पाठ और साधना करेंगे तो आपको आपकी साधना का पूरा पूरा सुफल प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, आपके सितारे में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।